नमस्कार आपण देखुचंदी खबर फटाफट मु जागृति महांती आरंभ करबा बुलेटिन ओआर एचडीसी दुर्नीति मामला झारपड़ा जेल गले आईएस विनोद कुमार आज स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट 3 वर्ष जेल दंडादेश सुनाइबा परे जेल जाइचंदी विनोद एथिसैत 75000 टंका जरिमाना आदेश निर्देश दैचंदी कोर्ट ओआरएसटीसी कर्मचारी पूर्णचंद्र दास को भी सम्मान दंडादेश होईछि उभय झारपड़ा जेल पठाइबा को कोर्ट निर्देश देथिले आज आत्मसमर्पण करबा परे जेल जाइचंदी विनोद कुमार पूर्वरु एही मामला रे से दोषी साबित होईथिले कोर्ट रे हाजर न हेबारु तांको विरुद्ध रे जारी होईथिला जमीन विहीन गिरफ परवाना परे एने हाई कोर्ट रे द्वारस्थ होईथिले विनोद हाई कोर्ट तांको अगस्त 10 पर्यंत अंतरण सुरक्षा प्रदान करथिले ए मामला रे पूर्वरु 4 जण जेल जाइछंती भूतल जल पुनः संरक्षण एमओयू सचिवालय रे राज्य सरकार को जल संपद विभाग एवं नाबार्ड मध्ये एमओयू स्वाक्षर होईछि मुख्यमंत्री को उपस्थित रे चुक्तिनामा स्वाक्षर होईछि जलवायु परिवर्तन नै देश रे एहा प्रथम प्रकल्प हेबो भूतल जल स्तर नथिबा 15 टी जिल्ला रे प्रकल्प कार्यकारी करा जबाकु योजना रहीछि योजना माध्यम रे नुवा पोखरी खोला जबा सहित भूतल जल पुनः संरक्षण व्यवस्था हेबो एथिपाई पाखापाखि 1100 कोटि टंका खर्च करायछिबो श्रीमंदिर संस्कार नै आज ग्रहण करा जाउछि जनमत श्रीमंदिर कार्यालय रे नै आरंभ होईछि जनसुनाणी राज्य सरकारक पक्षरु गठन करा जायथवा चिन्नि जणिया कमिटी सुनाणी करूछन्ती सुनाणी रे विभिन्न व्यक्ति विशेष मानकर मत देउछन्ती सुप्रीम कोर्ट को निर्देश क्रमे राज्य सरकार कमिटी गठन करथिले श्रीमंदिर पूर्वतन मुख्य प्रशासक सुरेश महापात्र आईजी सोमेंद्र प्रियदर्शी श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य महिमोहन त्रिपाठी कमिटी रो सदस्य अछन्ती कमिटी जनसुनाणी करबा परे विभिन्न मंदिर जाई सेठरे व्यवस्था संपर्क अनुध्यान करबे परे एने राज्य सरकार को रिपोर्ट देबो कमिटी रिपोर्ट को सरकार सुप्रीम कोर्ट रे सेप्टेम्बर 5 तारीख रे दाखल करिवार कार्यक्रम रहिछि सबडे जनसुनाणी को विरोध करिछि जगन्नाथ सेवा त सम्मेलनि एहा को नै श्रीमंदिर कार्यालय आगर विक्षोभ प्रदर्शन करा जायछि राज्य सरकारक पक्षरु गठन करा जायथवा 3 जणिया कमिटी सुनाणी करिवा बळे सेवात माने विभिन्न दाबी नै एहा को विरोध जणाइथिले आशा कर्मी को पाई खुशर खबर आशा कर्मी को पाई मुख्यमंत्री घोषणा करिछन्ती सहायता छता जोता साइकिल टच आउ आलमीरा पाई मिलिबो 10000 टंकार सहायता गांव सहरांचल रे कार्यरत आशा कर्मी को यातायात को सुगम करिया पाई साइकिल रो व्यवस्था करा जायछि सेहिपरि औषध और सानिटरी नैपकिन को निरापद संरक्षण पाई स्टील आलमीरा प्रदान करा जिवो एहा सहित राज्यर प्राय 48000 आशा कर्मी उपकृत होई परिबे सेहिपरि आशा कर्मी को अव्याहति योजना अंतर्गत एककालीन आर्थिक सहायता राशि को 10000 टंकारु 20000 टंका को बढ़ाई दिया जायछि एणिकि जो आशाकर्मी अति कमरे 10 वर्ष कार्य करी इच्छाकृत भावे अव्याहति नेबे बा 62 वर्ष बयस आशा कार्यरु अव्याहति नेबा परे सेमानको ही आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो आम काम विकास कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा करिछन्ती आजि मध्य बलांगीर बंद सहर लागि बाइपास रास्ता दाबी करी बजरंग दल पक्षरु बंद पालन करा जाउछि एई बंद डाकरा जोगु दोकान बजार बंद रहबा सहित गाडी चलाचल भी प्रभावित बजरंग दल रो कर्मी माने जिला मुख्य डाकघर आगरे विक्षोभ प्रदर्शन करिछन्ती यहाँ सहित बाइक रैली रे सहर परिक्रमा करा जायछि विभिन्न स्थान रे पिकेटिंग करबा सहित जातीय राजपथ अवरोध करा जायछि टिटलागढ़ पाटनागढ़ रे मध्य बंद रो प्रभाव पड़िछि स्थानीय लोकों कहिबा कथा बलांगीर सहर दे जातीय राजपथ 26 और 57 नंबर जातीय राजपथ जाउछि भारी जनगुडीकर बेपरवा गाड़ी चलना जोगो बहु अमूल्य जीवन चली जाउछि बाईपास ने कर्तृपक्ष न सुनिबा जोगो ए बंद डाकरा दिया जायछि बंद जोगो बस ट्रक गाड़ी मोटर चलाचल सरकारी बेसरकारी ऑफिस बैंक बीमा कार्यालय कोर्ट कचेरी आदि बंद रहिछि दुई दिन धरी बंद को आखिगरे रखी व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन करा जायथवा एसडीपीओ सूचना देइछन्ती पुणि कांस्टेबल परीक्षा बेले अघटन केन्द्रझरे कांस्टेबल चाकरी पई परीक्षा चलता बेले जने महिला परीक्षार्थी असुस्थ होई पड़ीथिले असुस्थ परीक्षार्थी हेले जंगीरा गांर जमयंती बेहरा दौड़ परीक्षा बेले से असुस्थ होई पड़िया परे तांकु जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जायछि गतकाली कटक रे मध्य कांस्टेबल परीक्षा चलता बेले 3 जण असुस्थ होई पड़ीथिले सेमानक भितरु डाक्टरखाना रे जणकर मृत्यु होईथिला
अंधविश्वास करुण परिणति कर्कट रोग से प्राण हर जे व्यक्ति शब को कांधेवा राजी हेले गांव लोके आत्मीय शेषे भारत बुहा है शब एभ एक अभावन घटना घटी केन्दुझर जिला सदर ब्लक बरदापाड़ गांव गांवर दुशासन बेहेरा कर्कट रोग से मृत्यु होगापर छुईवा लोके नाराज हेले शेषे भार बुहा श्मशान दाह करा गत तीन तारिख राति मृत्यु घटी यहाँ नहीं लोकों भितर नाना प्रकार कुसंस्कारमूलक भावना जात होता शब को कांधेवा से नाराज थे शेषे बाध्य आत्मीय स्वजन भार बोह दुशासन शब को श्मशान पर्यंत बोह नहीं सत्कार करते अर्थ साजिला बाधक बाध्य होई 9 वर्षर पुओ को कांधरे पकाई बोही नेले परिवार लोके अभावन घटना घटी ढेंकानाल जिला कामाख्य नगर एकताली गांव गतकाली राति जगा मुंडा पुओ सुमंत मुंडा परिवार लोकों सहित सोइथिबा अवस्था एक चितिसाप कामुड़ी परिवार लोक संगे संगे कामाख्य नगर मेडिकल नहीं जाते मात्र मेडिकल चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु घटी परे तांको मृतदेह को परिवार लोके राति रे घर को आनिथिले तबे मेडिकल ले पोस्टमार्टम कले सरकारी सहायता मिलियो बोली कहिबारु परिवार लोके पुओ सुमंतक शब को कांधरे पकाई 5 किलोमीटर पर्यंत बोही नै मेडिकल को जाइथिले पाखरे पैसा नथिबारु एभरी करबा को बाध्य होइथिबा परिवार लोके कहिछन्ते भुवनेश्वर अनंत वासुदेव मंदिर रोष घरे अग्निकाण्ड भोर पाखापाखि 4टा समय रे मंदिर रोष घरे निया लागिला जेंथरे प्राय 15टी रु अधिक रोष घर पोडी पांच होइ जाइछि खबर पाई कल्पनारे दमकल गाड़ी तीनटी गाड़ी घटनास्थल में पहुंची तीस जन अग्निशम कर्मचारी पाखापाखि अढ़े घंटार परिश्रम पर निया को आयत्त कर तबे निया केमिति लागिला ताहा स्पष्ट रोष घर चूली रु निया लागिथिबा संदेह करा जाउछि नुआपड़ा जिला कोमना ब्लक लर्की गांव में भालू आक्रमण में जन वृद्धा और जन युवक आहत होती आहत वृद्धा गांवर जादव विश्वाल और युवकों ना निवास नियाल बोली जमापड़ आहत कोमना गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर सका शौच बिल को जाता बेले नुआ गां पटु एक जंगली भालू लर्की गांड को जाता बिल निकट में प्रथम युवक जनक अटक रखा आक्रमण कर वृद्धा को भालू आक्रमण कर सुवर्णपुर मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना दुर्घटन दुई जन मृत्यु उलुंडा ब्लक ऐला छाट छक गुरुवार रात बाइक ट्रक मुहांमुही भाव में धक्का होता दुर्घटन दुई जन बाइक आरोही मृत्यु दुई जन बरगड़ साई पाइली गांव प्रभात धरुआ और सुशांत सेठ घटनार तदंत कर उलुंडा पुलिस कोणार्क प्रदर्शन रग्बी विश्वकप ट्रॉफी आज सका स्वतंत्र भाव में ट्रॉफी को कोणार्क निपर से फोटो सेशन सहित यह प्रदर्शन ट्रॉफी सहित सात जन प्रतिनिधि ट्रॉफी सह पर्यटक मैंने फोटो उठाई कोणार्क आसवा पर रग्बी विश्वकप ट्रॉफी को सचिवालय मुख्यमंत्री आनुष्ठानिक भाव में स्वागत जनपद ट्रॉफी जीव किस परिसर को स्वागत स्वतंत्र आयोजन आदिवासी सहित विभिन्न पारंपरिक नृत्य माध्यम रे एहाकु स्वागत करा जीव इस समय 5000 अधिक छात्र छात्री उपस्थित रहिबे विश्व भ्रमण में बाहरी रग्बी विश्वकप ट्रॉफी गतकाल भुवनेश्वर पहुंची न्यूज 18 ओडिया रे खबर प्रसारण पर दादन परिवार दुख शुणिला प्रशासन जयपुर ब्लक डुमुरीपदर गांव दया मुदुली 2013 आंध्र को खादान खटिबा को जाइथिले आ सेते बेलु थारु फेरी नहांती एपटे तांकर परिवार लोके बड़ दुख कष्ट चलुछंती एने न्यूज 18 ओडियार मणिमा शुणिमा हेउ कार्यक्रम रे खबर प्रसारण होइथिला एहा परे तांकु प्रशासन पक्षरु सहायता मिलिछि दयांकर पत्नी को रेडक्रस पांठिरु 10,000 टंकार चेक प्रदान करा जायछि सेभरी घर पई मते व्यवस्था करा जे बोली कहिछंती वीडियो रायगडा कोल्नरा गोपीकांकु बाड़ी गांव रे किडनी रोग आतंक किडनी रोग रे जनकर मृत्यु होता बेले सात जन आक्रांत चिकित्साधीन अवस्था अच्छा किडनी रोग से गांव खगपति भात्रांकर मृत्यु होता अभियोग खगपति बापा गत वर्ष किडनी रे प्राण हर
ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଗଲାଣି ସାତ ଜୀବନ। ଏନେ ଗାଁରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଦୂଷିତ ନଳକୂପ ପାଣି ପିଇବାରୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସେଭଳି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଗାଁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। କେଉଁ କାରଣରୁ କିଡ୍ନି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ। ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଗତ ହେବ ନାହିଁ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ବିଲ୍। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଗଲା। ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଗତ ହେବାରୁ ଥିଲା ଏହି ବିଲ୍, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କର ହଟ୍ଟଗୋଳ ଏବଂ ସହମତି ନ ମିଳିବାରୁ ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଭୁଙ୍ଗିର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହୃଦୟ ଥରେଇଦେବା ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁରା ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏକ ସ୍କୁଟି ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ର ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏକ ଇନୋଭା ଆସୁଛି, ଆଉ କାର୍ଟି ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସ୍କୁଟିରେ ବସିଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲେ, ପରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍କୁଟି ଚଳାଉଥିବା ଛାତ୍ର ଶିବାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବିବି ନଗର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଛଅ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଲ ଡାକଖାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛଅ ବର୍ଷିଆ ଛାତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାମ ରାମ ଆଶ୍ରୟ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମକୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେଭଳି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସ୍କୁଲ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ସହିତ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଦିବସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମନ୍ତ୍ର। ଏହା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ତଥା ଫସଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ଇନ୍ଧନ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଇନ୍ଧନ ଗାଁରୁ ସହର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କଥାରେ ଅଛି ଆମ୍ବ ତ ଆମ୍ବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାକୁଆର ମଧ୍ୟ ଦାମ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଆଧୁନିକ ରୂପ ହେଉଛି ଜୈବ ଇନ୍ଧନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାୟୋଫୁଏଲ ମନ୍ତ୍ରର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରାଗଲେ କୃଷକଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଷୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାମଲାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାଁ ରାହୁଲ ଏବଂ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତମନଗର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆଧାରରେ ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ କହିଛି। ତିନିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତିନଗରରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଯାନବାହନକୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ପୁଣି ଲାଲ ଆତଙ୍କ, ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରକ୍ ପୋଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେରଳରେ ପ୍ରଳୟ ରଚିଛି ବର୍ଷା। ଗତ ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 26କୁ ଛୁଇଁଛି। ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇଡୁକି ଏବଂ ମଲ୍ଲପୁରମରେ ଭୂସ୍ଖଳନରେ 17 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ କିନ୍ନୁରରେ 2 ଜଣ ଏବଂ ବାୟନାଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଅନେକଙ୍କର ଏବେ ଯାଏଁ ପତା ମିଳିନାହିଁ। ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିବାରୁ କୋଚି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ଅବତରଣକୁ ବାତିଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଫ ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ
कोझिकोड ठारे एनडीआरएफ टीम उद्धार कार्य चलाइछे। उद्धार कार्य रे सहायता पई राज्य सरकार सेना सहायता लोडिछन्ति। वर्षा परे केरळर कन्नूर जिल्ला रे भूस्खलन भूस्खलन रे गोटिए दुई महिला कोठा भुसुडी पडिबार वीडियो सामना को आसीछि। कोठाटी भुसुडी पडिबा परे धीरे धीरे आ माटी रे मिसि जाइछि। जो समय भूस्खलन होला सौभाग्यवशतः से घरे सेतेबेले केही नथिले। समस्ते घर छाड़ी रास्ता पर चली आसीथिले। भूस्खलन दृश्य को कैमेरा और मोबाइल उठाइथिले। जवाहरलाल नेहरू को ऊपर विवादीय मंतव्य दे चर्चित होइथिबा तिब्बतीय आध्यात्मिक नेता दलाई लामा निज मंतव्य पर दुख प्रकाश करिछन्ति। दलाई लामा कहिछन्ति जे मोर मंतव्य विवाद सृष्टि करिछि एथिपई मु क्षमा मागुछि। किछि दिन तले दलाई लामा भारत विभाजन पर नेहरू स्वार्थपरता को दायी करिथिले। यह सहित से कहते जिन्ना को प्रधानमंत्री करने महात्मा गांधी चाहते किंतु पंडित नेहरू मना करदे। महात्मा गांधी को इच्छा साकार होते भारत पाकिस्तान एक हो जाता। दलाई लामा यह मंतव्य कांग्रेस कड़ा समालोचनार शिकार होता। त्रिपुरार खुवाई जिले जड़े आदिवासी महिला निर्दय भाव में पिटार वीडियो वायरल होती। किसी लोक महिला जनक घोषाड़ी घोषाड़ी पिटुता वीडियो देखा मिली। घटनार अभियुक्त को पुलिस गत बुधवार दिन गिरफ्त होता। घटन जुलाई 17 तारीख जमापड़ पीड़िता परिवार लोकंकर अभियोग जे पुलिस से घटना को जमारु गुरुत्व देउना। जातीय महिला कमिशन एवं गणमाध्यम चापरे एबे तत्परता प्रकाश पाउछि। महिला जनक एबे गुरुतर अवस्था रे चिकित्सित कुआ जाउछि। जे संपुक्त महिला को एक सरकारी स्कूल रे मिड डे मिल सहायक भाव में नियुक्ति मिलिथिला। हेले अभियुक्त जनक महिला को टार्गेट करी मारपीट करथिले। राजस्थान 8 मुसलमान ग्रामर नाम परिवर्तन पाई केंद्र अनुमति प्रदान करिछन्ति। पूर्वर ही ग्रामगुड़िकर नाम मुसलमान शासकों द्वारा नामित कर राजस्थान विधानसभा निर्वाचन पूर्व यह ग्राम नाम बदला जाता कथा उठा जा। राज्यर बर्मर जिले पूर्व जो ग्रामर नाम मियाका बारा थिला एहाको परिवर्तन करा महेशनगर कर राज्य सरकार राज्यर 27 ग्रामर नाम परिवर्तन करने केन्द्र गृह मंत्रणालय को प्रस्ताव देते। यार उत्तर में मंत्रणालय 8 ग्रामर नाम परिवर्तन पर अनुमति देवापर नाम परिवर्तन करा। साप सहित मस्ती करने जड़े युवकों पर बेस महंगा पड़ा। घटना घटी गुजरात नवसारी अंचल निशासक्त युवक जनक साप सहित मस्ती करुले। से समय सापटी युवकों आंगुठी को मारा चोट। यापर गुरुतर अवस्था युवकों चिकित्सा पर हस्पिटाल भर्ती करागला। इंडोनेशिया अनुषित एशियन गेम्स रे भारतीय दलर जातीय पताका धरिबे जावलिन तारका नीरज चोप्रा। भारतीय ओलंपिक्स एसोसिएशन सभापति नरेन्दर बात्रा एने सूचना मिली। 20 वर्षीय नीरज एवं करियर श्रेष्ठ समय में गति कर 2016 विश्व जूनियर चैंपियनशिप रे स्वर्ण पदक हाथेबा सहित पटियाला जातीय क्रीडा रे रिकॉर्ड हासिल कर गोल्ड कोस्ट राज्य गोष्ठी क्रीडा रे नीरज 86.47 मीटर जावलिन फेंगिथिले। नीरज प्रथम थर पर एशियन गेम्स प्रतिनिधित्व करने जापर्यंत कौन भारतीय जावलिन खेलाड़ी एशियन गेम्स स्वर्ण जीणी ना। एथर नीरज निकट भारत स्वर्ण आशा रखी। इंडोनेशिया रो जकार्ता एवं पालेमबांग ठारे एशियन गेम्स अनुष्ठित होबाकु जाउछि। पाराग्लाइडिंग करुथवा बेले अघटन छिंडिला रसी अल्पके बर्तिले महिला। गुजरात में घटी एभली घटना। समुद्र कूल में जड़े महिला पाराग्लाइडिंग करिबा समय हटात छिंडी जाइथिला रसी। तेबे महिलांकर सांगरे थिबा जड़े कर्मचारी निश्चित मृत्यु मुखरु तांकु बंचाई नैथिले। यह घटनार पूरा दृश्य कैमेरे कैद हो। महिला जनक उत्तर प्रदेश गाजियाबाद्रु पर सहित छुट्टी काटा गुजरात जाते तेरे महिला जीवन बचाई कर्मचारी को गभीर आघात लगी गोड़ भांगी जाप। बौद्ध जिला हरभंगा ब्लक पुणा कटक हाइस्कल खेल पड़िया ब्लक स्तरीय आम ग्राम विकास कार्यक्रम अनुषित हो। कार्यक्रम में हरभंगा पंचायत समिति अधीनस्थ समस्त पंचायत जनप्रतिनिधि समेत हजार हजार संख्यारे लोक जोग देइथिले।
ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ହରଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱଜିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ହରଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 300ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 5,51,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମାତ, କଣ୍ଟମାଳ ବିଧାୟକ ମହିଧରଣ ରଣା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୀତାଂଶୁ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। सुंदरगढ़ जिला हेमगिर ब्लॉक रे अनुष्ठित हो जायछि हम काम विकास कार्यक्रम। एही कार्यक्रम रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे सीधा सडक जनसाधारण को सहित कथा होई छंती मुख्यमंत्री। हेमगिर ब्लॉक रे 139 टी प्रकल्प पई प्राय 3 कोटी टंका मंजूर करा जायछि। हेमगिर ब्लॉक रे हाई स्कूल पडिया रे आयोजित ए कार्यक्रम रे सदर रे विधायक जोगेश सिंह, स्वतंत्र विकास परिषद अध्यक्ष संतोष अमात, उपाध्यक्ष कुसुम टेटे, पीडी डीआरडीए प्रमुख उपस्थित थिले। सरकार डिग्री इंजीनियर मानंको हेतुक अनुकंपा प्रदर्शन करथवा बेले डिप्लोमा इंजीनियरंकर सर्वनिम्न न्याय प्रदान करिवारे टाळतुळ नीति अवलंबन करछन्ते। समानकर पदोन्नति ठारु आरंभ करि ग्रेडेशन आदि क्षेत्र रे सरकार एभळी करथुवारु एहारो समाधान पई डिप्लोमा इंजीनियर संघ बारंबार दाबी करिछि, सरकारक सहित आलोचना करूछि किंतु किछि सुफल मिलु नाही एभळी अभियोग आसिछि। पंचायतराज विभाग रे कार्यरत जीपीटीए मानंकु कनिष्ठ जंत्री करिया पई सरकार कैबिनेट निष्पत्ति नेइथिले मध्य ता आज जाय कार्यकारी होई परि नाही। तेणु सरकार को एभली नीति विरुद्ध रे आसंदा सेप्टेंबर 18 तारीख रु डिप्लोमा इंजीनियर माने समूह छुट्टी रे जिबाकु निष्पत्ति नेइथिबा आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे गजपति जिला डिप्लोमा इंजीनियर संघर सभापति प्रकाश करिछन्ति। जाजपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा पर राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र कैबिनेट मंजूरी मिली। एने सामग्रिक जिले में खुशी लहरी देखा मिलता बेले मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा को नहीं विवाद देखाई। एने व्यासनगर में विभिन्न संगठन पक्ष आरंभ हो धारणा और सत्याग्रह। जिला सदर महकुमार अनति दूर से आंकुला प्रतिष्ठा कर सरकारी स्तर में मसुधा चलता बेले विरोध कर मुंड टेकी आंदोलन। जिलार भौगोलिक स्थिति को लक्ष्य कर पाणिकोइली ठारे प्रतिष्ठा पई दाबी जोर धरी एठारे प्रतिष्ठा हेले समग्र जाजपुर जिला समेत आखपाख जिला गुड़िक विशेष भाव उपकृत होइतरे बोली मत प्रकाश पाई। फेल मारिला कटकणा केन्दुझर सरकारी डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज रे तृतीय वर्षर छात्रिंग को रैगिंग अभियोग। गुरुतर छात्री जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती होइछंती। कॉलेज तृतीय वर्षर जणे इलेक्ट्रिकल छात्रिंग को चतुर्थ वर्षर छात्री माने रैगिंग करथवा अभियोग। कॉलेज प्रिंसिपल कहिबा मुताबक दुई दिन तले कॉलेज हॉस्टल रे लाइन नथिबा जोगु किछि तृतीय वर्षर छात्री हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट को निकट को ए संपर्क अभियोग जणाइबाकु आसीथिले। यहा परे चतुर्थ वर्षर छात्री माने काहिकि अभियोग पई जाइथिले बोली से माने पचरा उचरा करथिले। ए कारणरु किछि छात्री बुधवार रात्रि खाद्य खाइ नथिबा कहिथिले। खाद्य खाइ नथिबा कारणरु असुस्थ होइ पडिबारु दुई जण छात्री को डाक्टरखाना रे भर्ती करा जाइथिबा से कहिथिले। छात्री को रैगिंग होइथि अभियोग परे तदंत चलिथिबा कॉलेज अध्यक्ष कहिछन्ति। समय सरिछि खबर फटाफट को एठी रखुछु। नमस्कार।